बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लब्बे शीरी की रेसिपी बहुत से मेरे बहन भाई हैं जिन्होंने पहले लब्बे लबिशीरी बनाई होगी मगर लब्बे श्रेरी बनाते वक्त कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका अगर आप ख्याल रख लें और इन स्टेप को फॉलो कर लें जो आज मैं आपको बताऊंगी तो यकीन जानिए ये आपकी लब्बे लबेश इतने मजे की बनेगी कि इसके सामने कोई दूसरा मीठा आपको पसंद नहीं आएगा इतनी जबरदारसी ये बनती है बस कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख लें मसाल के तौर पर यह कि लब्बे लबेश बहुत ज़्यादा पतली क्यों हो जाती है इसके अंदर कौन सी क्रीम हमें यूज़ करनी चाहिए और कस्टर्ड का कच्चा पनना इसके लिए क्या करना चाहिए इस तरह की कुछ बातें हैं इनका अगर आप ख्याल रख ना तो बहुत ही मजे की बनेगी और यह है आप ईद पर बनाए या अवतार पार्टी में बनाएं दोनों में ही बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी खाने वाले खुश हो जाएंगे बसमनिम कुछ काम होते हैं नबीशीरी बनाने के लिए पहले जो हमें करके रखने पड़ते हैं जैसे कि जेली और स्वइयाँ जो रंगीन सोइयाँ उनको उबाल के रखना था तो यहाँ पे देखें मैंने दो कप पानी के लिए और एक पैकेट मैंने इसमें ग्रीन जेली का डाल दिया है अच्छा अगर इसके ऊपर लिखा भी होता है कि दो कप पानी में आप इसको डालें और उबलते हुए पानी में आप इसको डालकर पका लें जब तक पकाएं जब तक ये घुल जाए इसमें तो इस तरह इसके ऊपर उन्होंने लिखा भी होता है तो लेकिन अगर आप इसको थोड़ा मतलब जमी जमी जैसे हार्ड होनी चाहिए मतलब हार्ड मतलब कि थोड़ी बिखरनी नहीं चाहिए वैसे चाहते हैं कि वैसे पके तो फिर आप दो कप पानी के ना डालें फिर अपना डेढ़ कप पानी का इस्तेमाल करें यहाँ पे एक किलो दूध ले लिया मैंने एक किलो दूध में से ही मैंने एक कप ये दूध का निकाल लिया था तो मैंने यहाँ पर लिया है फ़ाइव टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड का ठीक है तो कस्टर्ड आप अपनी पसंद से कोई भी फ्लेवर जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं इसमें कोई नहीं है तो यहाँ पर पाँच टेबल स्पून स्पून एक लीटर दूध के लिए बहुत अच्छा इससे कस्टर्ड का जो है ना रेशो इससे अच्छा बनता है कस्टर्ड बहुत ज़बरदस्त बन जाता है तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना पहले तो ताकि ये मतलब इसमें कोई गुठली ना रहे बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करके रख लेना है तो यहाँ पर दूध को बॉइल आ चुका है ये देखें यहाँ पे आप डालेंगे इसको साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे साथ साथ इसको डालते जाएगा तो आप अपने से यहाँ पे याद रखना है कि जब आप इसको कस्टर्ड डालने लगे ना तो फ्लेम आपने स्लो कर देना है अगर फ्लेम आपका ज़्यादा हुआ तो क्या है कि जैसे आप कस्टर्ड डालेंगे चम्मच हिलाएंगे भी तो भी गुटलियाँ पड़ने का इसमें डर होगा तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप इसमें मैं शुगर का डाल रही हूँ आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें डाल सकते हैं तो अभी यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जिसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखिए चम्मच को देखें बस इसको हमने पाँच से सात मिनट पकाना है ताकि इसका अच्छा कच्चापन खत्म हो जाए इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं आप करेंगे बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे ना तो आप जब इसको ठंडा करेंगे तो ये रबड़ की तरह हो जाएगा तो बस आपने पाँच से सात मिनट इसको पकाना ताकि जो हमने इसमें डाला है कस्टर्ड उसका कच्चापन खत्म हो जाए यहाँ पे सोइयाँ भी उबाल लेते हैं तो यहाँ पे मैंने ले ली थी आधा कप सोइयाँ का ले लिया था ठीक है तो इस यहाँ पे उबाल लिया सोइयाँ प्रॉपर आपने उबालनी है कच्ची नहीं होनी चाहिए अगर कच्ची कच्ची थोड़ी थोड़ी हुई तो आपकी जो लबी लबीशिरियाँ वो खाने में मज़ा बिल्कुल नहीं करेगी तो क्या किया मैंने इसको छान लिया और अब ऊपर से पानी सादा डाल रही हूँ और इसको ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा इसका कॉन्सटार्च है वो निकल जाए इससे क्या होता है ये जुड़ती नहीं है क्योंकि हमने इसको बाद में इस्तेमाल करना पहले बना के रख लिया अच्छा कस्टर्ड हमारा यहाँ पर बन गया इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया यहाँ पे अब जो मैं आपको इसको दिखा रही हूँ ना ये ठंडा कस्टर्ड है देखिए माशाल्लाह किस तरह ढलक रहा है इसी तरीके से कस्टर्ड आपका होना चाहिए तो यही इसकी अच्छी निशानी है कि इस तरीके से आपके कस्टर्ड में ढलकन होनी चाहिए अच्छा जब ये मैंने तो इसको आपको प्रॉपर ठंडा करके ही मैंने ये बाकी चीज़ें इस्तेमाल करनी शुरू की हैं अब यहाँ पे मैंने ओलपर्स क्रीम का इस्तेमाल किया आप ओलपर्स या मिल्क पैक वालों की क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं उनका टेस्ट अच्छा होता है और बात आपने याद रखनी है कि अगर आप किसी पार्टी के लिए या किसी की दावत के लिए बनाना चाहते हो तो एक दिन पहले भी आप इसको बना कर रख सकते हैं कस्टर्ड को ना लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये आपने इसमें डाल के नहीं रखनी आप इसको कवर करके फ्रिज में रख दें लेकिन जब आपने इसको सर्व करना है ना तभी आपने इसमें जैली का इस्तेमाल करना है सुइयों का इस्तेमाल करना है और आ, क्रीम का इस्तेमाल करना अगर आप ये चीज़ें सारी डाल के आप इसको आ, मतलब कहें कि मेरा काम निपटा के रख देती हूँ तो क्या होगा कि ये चीज़ें जो फ्रूट होता है या ये जाली होती है ये अपना जाली अपना कलर छोड़ देती है फ्रूट अपना पानी छोड़ देता है तो फिर हमारा ये जो लब्बी श्री है ना ये थोड़ी पतली पतली सी हो जाती है जो फिर खाने में अच्छी नहीं लगती टेस्ट तो इसका अच्छा रहता है लेकिन इसका टेक्चर जो लब्बी श्री का होना चाहिए वो नहीं रहता यहाँ पर मैंने कुछ सेब डाल दिए हैं छोटे छोटे कट करके और जो है केले कुछ डाल दिए और वो जो सोइयाँ थी जितनी मुझे चाहिए थी ना मैंने उतनी डाल ली है ठीक है जितनी में हमने हमने इसको आ, मतलब खाना था तो उतनी में हमने ये चीज़ें डाली बाकी आप इसको दोबारा फ्रिज में रख सकते हैं यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट हैं जैसे कि पिस्ता और बादाम मैंने बरीक बरीक कट करके डाल दिया है इसमें तो आपको जो भी पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं फ्रूट भी आपको जो पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं तो उसको अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पे जाली भी डाल देते हैं ग्रीन जाली भी डाल दी है मैंने और यहाँ पे रेड जाली को भी डाल देते हैं इसको डालने के बाद भी इसको मिक्स कर देते हैं हल्के हाथों से करना है तो बस ये आपने याद रखना है कि आप अगर एक दिन पहले इसको बना के रख देंगे ना तो ये चीज़ें आपने साथ में नहीं डाल के रखनी ठीक है तो जब आपने मेहमानों के आने से पहले ही इसको इस तरीके से सारी चीज़ें आपने डाल देनी क्योंकि ये बनी पड़ी होती है तो इनको डालना मुश्किल नहीं होता अगर आप इसको साथ ही डाल देंगे ना तो क्या है कि आपका सारी लबिशरी ख़राब हो जाएगी यहाँ पर मैंने कुछ जो जली थी वो अंदर शामिल कर दिया इसके और कुछ इस तरीके से गार्निश कर दिया कुछ ड्राई फ्रूट से मैंने इसको ऊपर से गार्निश कर दिया यहाँ पर मैंने किशमिश का भी इस्तेमाल किया है बहुत ही मज़े की लगती है इसमें और ये देखने में भी अच्छी लगती है तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी थी इसका टेस्ट कमाल का था बस कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है कि आप अगर आप एक किलो दूध का बना रहे हैं कस्टर्ड तो आपने पाँच टेबल स्पून जो है कस्टर्ड के पाउडर के इस्तेमाल करनी है ठीक है और मीठा तो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालना है दूध अगर आपका बिल्कुल खालिश है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपका दूध पतला है पानी वाला है तो उसमें और ज़्यादा पानी आप ना डालें अगर खालिश है उसमें एक कप डाल भी देंगे तो कोई मसला नहीं होगा और आपने इस बात का बहुत बहुत ख्याल रखना है कि आपने ये फ्रूट और सोइयाँ और जेली आपने तभी शामिल करनी है जब आपके गेस्ट आए हों या आपने घर वालों को सर्व करना हो तभी उनको उस टाइम पर आप इसको ठंडे ठंडे कस्टर्ड में डालकर सर्व करें मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा अल्लाह अल्लाफ़